ओ माय गॉड, जस्ट लुक एट दिस। ये कौन है? सास्के उत्सुसुकी बन चुका है, जो हमको इस वाला चैप्टर देखने के बाद पता चल रहा है सास्के हमारे अगेंस्ट में है। अभी भाई न्यू चैप्टर के स्पॉइलर इतना ज्यादा खतरनाक है, मैं बोलूंगा भाई इट्स इन्फिनिटी आउट ऑफ 10। बिकॉज भाई जस्ट लुक एट दिस पैनल, भाई न्यू विलन्स आ चुके हैं, वन ऑफ देम इज सास्के उचिहा विद रिनेगन। व्हाट द हेक इज हैपनिंग ब्रो? एंड इन सबको अगर साइड में भी रख दो ना तो यार लुक एट दिस, Look who is back. This motherfucker is back, bro. Kashin Koji is back. हम लोगों को मैंने आज से करीब 3-4 महीने पहले बता के रखा है कि पुरुटो को कोई और नहीं, काशिन कोजी ने ट्रेन किया। 2-3 चैप्टर से लेकर मैं बोलते हुए जा रहा, विश्वास तो करते नहीं हूँ, बट अभी तो दिखा दे इस वाले चैप्टर के स्पॉइलर के अंदर। इस चैप्टर के स्पॉइलर्स ने मार के रखा, मैं इंटू से सारी चीजों के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। शुरू करने से पहले बता देता हूँ, मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन, चैनल पर सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करने के बाद पास में जो घंटा है उसे दबा के ऑल पे सेट करो। लास्ट वाला चैप्टर जहां से खत्म हो, इस वाले चैप्टर के स्पॉइलर्स वही से शुरू होता है। बुरुटो एंड कवाकी एक दूसरे को फेस कर रहे होते हैं, एंड फाइनल वो जो फ्रॉक को हम लोगों ने कहा बुरुटो भेजा था, वो फ्रॉक बोलता है बुरुटो को जल्दी वहां पर जाने के लिए, बिकॉज वहां पर 10 tails है। एंड बुरुटो ने क्या किया भाई, he literally use flying thunder god technique to travel where the 10-tail is। चलो भाई मिनाटो का टेक्निक तो सीख लिया ना, बहुत बढ़िया। मैंने बोल के रखा हमारा बुरुटो सास्के नारुतो मिनाटो सबका वाइब तुमको देने वाला। आगे बुरुटो फ्लाइंग थंडर गॉड यूज करके वहां पर जाता है, और जाने के बाद देखता है वहां पर 10 tails है ही नहीं। वहां से 10-tail एकदम से गायब हो गया था, कोड भी शॉक हो गया था ये देखने के बाद। समझ रहे कोड इतने टाइम से खुद 10 tails को देखभाल कर रहा है, एंड सडनली 10 tails वहां से गायब हो गया, एंड कोड वाज शॉक। बुरुटो भी सोचने लगा कि भाई 10 tails एक्चुअली में गया कहां पर, एंड सडनली हम लोग देखते हैं एक न्यू एनिमी को, एंड कोड को लगता है कि ये बग है, बट नहीं भाई, बुरुटो बोलता है ये गॉड ट्री नहीं तो सेक्रेटरी है। बट लास्ट वाले चैप्टर के अंदर हम लोगों ने देख के रखा था बग जो है वो ट्री में कन्वर्ट हो गया था। आगे देखते हैं द न्यू एनिमी एंगेजेस बुरुटो एंड पुश्ड हिम अगेंस्ट द वॉल, एकदम दीवार के अगल बगल में था वो। बुरुटो वहां से बाहर आने की कोशिश करता है, बट बग जो एक न्यू अलग फॉर्म में था वो एकदम से जान से मारने के लिए अटैक करता है, एंड बुरुटो क्या करता है अगेन फ्लाइंग थंडर गॉड यूज करके वहां से निकल जाता है। अब यहां से शायद तुम लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है कि जो न्यू एनिमी है ये कुछ ज्यादा है, स्ट्रांग है। क्यों ना यार कोड ने भी ऐसा नहीं कर पाया बुरुटो के साथ, बुरुटो वाज डोमिनेटिंग ऑल द टाइम अगेंस्ट कोड, बट यहाँ पर बुरुटो इतना ज्यादा कुछ कर ही नहीं पा रहा था ब्रो। इशिमोटो ने खतरनाक कुक किया। इन सब के बाद बुरुटो एक न्यू चक्र को सेंस करता है, ऊपर देखता है कि भाई एक और न्यू एनिमी वहां पर मौजूद है, एंड इसका डिजाइन भाई साहब कुछ ज्यादा ही कोल्ड लग रहा है मेरे को। अब ये जो एकदम से न्यू एनिमी हम लोग देख रहे इसका मतलब क्या था, डिवाइन ट्री हैज इवॉल्व विद द हेल्प ऑफ कोड। मेरे को तो ऐसा लग रहा है जितने ओवर पावर न्यू एनिमीज देख रहे हैं वो सारे के सारे उस ट्री के विक्टिम है। अगर तुमको लगता है कि यही पर खत्म होता है देन यू आर सो वेरी मच रॉन्ग, बिकॉज आगे हम लोग फिर से दो न्यू एनिमीज को देखते हैं, एंड वन ऑफ देम इज सास्के उचिहा। ओ माय गॉड, दिमाग हिला के रख दिया ब्रो। एंड बुरुटो की शक्ल तुम लोग देख सकते हो, उसका चक्रा सेंस करने के बाद बुरुटो एकदम से शॉक हो गया, उसको देखने के बाद बुरुटो एकदम से शॉक हो गया। मैं स्पॉइलर देखते वक्त मैं खुद ही शॉक हो गया, बिकॉज इतने टाइम से हम लोग सोच रहे थे सास्के कहां पर है, कई बार फंसा होगा, अटका होगा, बट यहां पर मेरा एक थ्योरी सच होगा जो मैं लास्ट में बोलने वाला हूं। बट अभी के लिए हमारे सामने ओत्सुसु की आर्मी है, और जो बहुत टाइम से एक थ्योरी चलता हुआ जा रहा था ना, सारे के सारे निंजास वर्सेस ओत्सुसु की आर्मी, एक बैटल होने वाली, 5th ग्रेट निंजा वॉर, इट्स अ फकिंग नियर। हम लोग देखने वाले बहुत ही जल्द एक खतरनाक वॉर, एंड दैट वुड बी 5th ग्रेट निंजा वॉर, ओत्सुसुकी आर्मी वर्सेस ऑल द शिनोबीज ब्रो। आगे हम लोग देखते हैं कवाकी एंड सारदा एक दूसरे के साथ बहस करते रहते हैं, सारदा बोलती है कि हमको बुरुटो की मदद करना चाहिए, एंड नीचे के पैनल्स में हम लोगों ने देखा 4 विलेंस को एक ही साथ एक ही फ्रेम में। डज दैट रियली मीन अभी कवाकी सारदा और सारे लोग मिलके बुरुटो को ज्वाइन करके बुरुटो की मदद करने वाला है, बिकॉज बुरुटो अकेले 1v4 कर ही नहीं पाएगा। दी आर सो वेरी मच स्ट्रॉन्ग। बुरुटो आगे अटैक करने की कोशिश करता है, बट बुरुटो फेल हो जाता है। देन द एनिमी यूजेस लाइटनिंग रिलीज, बट बुरुटो कैसे भी करके अपने नरसिंगन से बच जाता है। फिर हम लोगों ने देखा 4 new ओत्सुसुकी या फिर 4 new एनिमी ने चारों तरफ से बुरुटो को एकदम से घेर लिया, बुरुटो के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था। फिर आगे कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड होता है जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं। बुरुटो लिटरली आस्क्ड फॉर हेल्प फ्रॉम कोड से, वो मदद मांग रहा था कि मेरी मदद कर दो, बट कोड वहां से बुरुटो को छोड़ के भाग जाता है, वो खुद अपनी जान बचा के भाग जाता है। डज दैट रियली मीन कोड डज इवन नो व्हाट द फक इज हैपनिंग? फिर कोड भागने के बाद वहां पर जो फ्रॉग था बुरुटो को एडवाइस देता है इमीडिएटली वहां से भागने के लिए, बिकॉज भागने के सिवा कोई और ऑप्शन नहीं है ब्रो। फिर वन ऑफ द एनिमी सेड आवर ईगो जस्ट अवेकन एंड आवर ओवरफ्लोइंग क्यूरियोसिटी एंड थर्स्ट फॉर नॉलेज हैज सरपास आवर इंस्टिंक्ट। इसका मतलब समझ रहे हो, वो जो 4 new villains है, 4 new enemies है, वो और भी ज्यादा स्ट्रांग होते हुए जाएंगे टाइम के साथ साथ। ये 4 villains are thirst for knowledge भाई, उनको और knowledge gain करना है। उन लोगों के पास शायद कुछ ऐसे abilities है जिससे वो लोग कहीं भी travel कर सकते हैं, किसी को भी ढूंढ सकता है। इतना ऐसा बोला कि wherever you run, whenever you are in the world, you can never escape your destiny. They are real business भाई। और बुरुटो वहाँ से भागने के बाद हम लोग finally देखते हैं बुरुटो के साथ
वन एंड ओनली द गॉटेड कैरेक्टर जिराया का क्लोन काशिन कोजी इज देयर। एंड मैंने तुम लोगों को बहुत पहले से जैसे बोल के रखा है, काशिन कोजी बुरुटो को मदद करने वाला है, हेल्प ट्रेन करने के लिए। एंड इतने टाइम से जो बुरुटो ने इतना सब कुछ सीखा है, सारे के सारे चीजें काशिन कोजी से सीखा है। एंड आगे का पैनल लास्ट वाला पैनल है जो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आगे हम लोग देखते हैं सास्के एक ट्री में कन्वर्ट हो चुका है जैसे मैंने तुम लोगों को बोल के रखा है। एंड बुरुटो बोलता है, आई एम सॉरी, यू आर गोना हैव टू वेट अ लिटिल व्हाइल लॉन्गर अंकल सास्के। ब्रो क्या स्पॉइलर्स है यार, अभी तो मैं चैप्टर के लिए पागल हो गया, कब ये चैप्टर आएगा, कब मैं फुल खोल के रिव्यू करूंगा। बट अभी के लिए इतना याद रखो, तुम्हारे सेनपाई ने जितना कुछ लास्ट वाले चैप्टर में बोल के रखा है, सारे के सारे चीजें सच हो गए। विश्वास नहीं हो रहा है, लास्ट वीडियो तुम लोग जाके देख लो, लास्ट तक देख लो, एंड तक देख लो, मैंने सब कुछ बोल के रखा है। जो सास्के है वो मोस्ट प्रोबेबली यार ट्री में कन्वर्ट हो चुका है, जो इस वाले चैप्टर के अंदर क्लियरली हम लोग देख रहे हैं। सास्के बिकम्स अ ट्री, ये कैसे हुआ? 2 साल पहले जो कोड आया था, फाइट वाइट किया था बुरुटो सास्के, मेरे को लग रहा है वहां से ही हुआ था। एंड फॉर दैट रीजन बुरुटो इज फाइंडिंग 10 tails ताकि वो इसका कुछ ना कुछ कर पाए, वहां से सास्के को निकाल सके। एंड दैट्स द रीजन कि बुरुटो जो है वो सारदा के साथ ठीक से आई कांटेक्ट किया नहीं इतने टाइम के बाद, मिलने के बाद भी। दैट वाज सो फकिंग ऑब्वियस कि मैंने तुम लोगों को बोला कि सास्के जो है वो ट्री में कन्वर्ट हो चुका है। दैट्स द रीजन इस वाले ट्री को इतना ज्यादा दिखाया गया, बिकॉज़ ये ट्री वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था इस वाले चैप्टर में हम लोगों ने फाइनली देखा। मेरे को लग रही जो ट्री है ना, ये ट्री जब लोगों को एकदम से निगल लेता है, जो लोग ट्री के विक्टिम बन जाते हैं मोस्ट प्रोबेबली उनका एक क्लोन वगैरह निकलता है, जो हम लोगों ने ऑलरेडी देख के रखे सारे के सारे। मेरे को लगता है कि भाई ट्री के विक्टिम्स है जो बहुत ज्यादा ओवर पावर बन जाता है, उनके अंदर एक अलग एबिलिटी आ जाती है, रिनेगन आ जाती है, एंड उनको बुरुटो अकेले हैंडल नहीं कर पाएगा। हाँ ये लग बात है कि किशोमोटो बहुत बढ़िया काम किया, शुरू में जो एंट्री है बुरुटो की खतरनाक दी, हम लोगों को समझा बुरुटो अभी पहला जैसा नहीं है, बुरुटो बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड है। बट इसके साथ साथ कहीं ना कहीं हम लोग कंसर्न थे कि भाई कुछ ज्यादा ओवर पावर नहीं होगा, कोई भी विलन नहीं टिक रहा, कोर्ट की कोई इज्जत ही नहीं है, तो आगे कैसे क्या होने वाला है। आगे हमारे सामने आ चुका है ट्विस्ट, बुरुटो स्ट्रॉन्ग है तो विलन भी स्ट्रॉन्ग ही होंगे। तो मेरे को आगे लग रहा है सारदा मित्सुकी बुरुटो की मदद करने वाला है, कोनोहा बुरुटो की मदद करने वाला है, सब कुछ उन लोगों को पता चल जाएगा। जो एडा है वो सब कुछ देख लेगी एंड मोस्ट वाली उन लोगों को बता देगी एंड सब कुछ सॉर्ट आउट होने वाला है। दोनों मिलके इनके अगेंस्ट मोस्ट वाली फाइट करेंगे एंड इन फ्यूचर हम लोग देखने वाला है फिफ्थ ग्रेट निंजा वॉर, जहां पर ऑल शिनोबी वर्सेस ओत्सुत्सुके आर्मी होने वाली है। भाई अब ये सेंस बना रहा है, अब आगे मेरे को इसके बारे में बहुत कुछ बताना है जो मैं ए टू जेड बताने वाला हूं चैप्टर आने के बाद। स्पॉइलर से ए टू जेड डिस्कशन करना पॉसिबल नहीं है, बट अभी के लिए इतना समझ लो ये चैप्टर फोड़ने वाला है, 10 out of 10 चैप्टर है विदाउट एनी डाउट। किशिमोटो यहां पर जस्ट कुक नहीं किया, ही स्मोक्ड ब्रो। और एक ही सिंगल चैप्टर के अंदर हम लोगों के सामने बहुत सारे चीज रिवील हो गया, जैसे जो ओत्सुत्सुके आर्मी बन रही है वो हमारे सामने रिवील हो चुका है, जो ट्री वाला चीज है वो हमारे सामने रिवील हो चुका है, फिर उसके बाद जो 10 tails है वो गायब हो चुका है वो हमारे सामने रिवील्ड है, फिर जो कोड है इतना सब कुछ करने वाला था, उसके इतने सारे प्लानिंग चल रहे थे 10 tails के साथ वो कुछ करने वाला था। बट 10 tails खुद गायब होने के बाद कोड एकदम से शॉक हो गया कि भाई 10 tails गया कहां पर, ये तो प्लान में नहीं था, प्लान सी भी नहीं था। कोड की शक्ल देखने लायक थी, उसको देखने के बाद ऐसे ही लग रहा था कि ही हैड नो फकिंग आइडिया कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। एंड आगे मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं ये देखने के लिए कोड एक्चुअल में करने क्या वाला है, बुरुटो काशिन कोजी के साथ क्या प्लान बनाएगा सास्के को बचाने के लिए, वहां पर जो कोनोहा क्या स्टेप्स लेने वाला है, कवाकी सारदा मित्सुकी वो लोग क्या करने वाला है। ये बुरुटो का न्यू मांगा, न्यू चैप्टर टाइम इसके बाद बस ऊपर चलता हुआ जाएगा, एक एक चैप्टर छोड़ते हुए जाएगा, कभी सोचा नहीं था ये वाला चैप्टर ऐसा खड़ा करके छोड़ देगा। चलो ये सारी स्पॉइलर्स के ऊपर अपना ओपिनियन जरूर देना एंड हाँ इसकी पूरी रिव्यू आने वाली है चैप्टर आने के साथ साथ, उसके लिए वेट करो। वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो हल्के से दबाओ लाइक बटन, चैनल पर सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करने के बाद पास में जो घंटा है उसे दबा के ऑल पे सेट कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।